हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पॉपुलर लिटरेचर। एज वी आर अवेयर दैट वी कैन रफली डिवाइड लिटरेचर इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिटी, द फर्स्ट इज लिटररी लिटरेचर एंड द सेकंड इज पॉपुलर लिटरेचर। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द लैटर वन, सो लेट्स बिगिन। तो लिटरेचर की कोई भी ऐसी विधा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक पहुँचाने के उद्देश्य से लिखा गया, जिसका प्राइमरी उद्देश्य ही ये हो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ने के लिए पहुँचाया जा सके और उन्हें इंटरटेन किया जा सके, उसे ही हम पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं। जो लिटरेचर लोगों के बीच पॉपुलर होने के लिए लिखा गया हो उसे पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं। Any genre of literature that is intended for the masses is known as popular literature, and its primary goal is to entertain the readers or spectators. अब ऐसा literature क्या हो सकता है? It can be poetry, it can be prose, satire, fiction, non-fiction, and so on. But the most popular genre among them is fiction. Popular literature के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा famous विधा आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा popular literature लिखे जाते हैं, वो fiction है. Therefore, the term sometimes is used interchangeably with popular fiction also, because it represents mostly the fictional writings. अब literary literature और popular literature, इन दोनों में जो basic difference है वो यही है कि जो literary literature होता है वो produce किया जाता है mainly to invoke the reality of human society, जबकि popular literature जो है वो लिखा जाता है just to entertain the general mass. The popular literature gives the audience what they want to read or see, but the literary literature gives what they need to see. It mirrors the reality of society in front of the spectators or readers. जबकि popular literature को लिखने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो society की, समाज की जो reality है, उसकी जो बुराइयाँ हैं, उसकी जो evil हैं, उनको represent करे और समाज में सुधार करे. समाज में किसी प्रकार का सुधार लाना popular literature का काम नहीं है. उसका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को entertain करना. इस वजह से उसमें ऐसे elements शामिल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा audience को अपनी तरफ attract कर सके, उन्हें entertain कर सके. इसलिए इस प्रकार के लिटरेचर की जो लिटरेरी वैल्यू होती है वो प्रायः कम स्तर की होती है, निम्न स्तर की होती है. इसमें हाई क्वालिटी की लैंग्वेज, रस, छंद, अलंकार, इनका प्रयोग कम ही होता है, क्योंकि प्रायः जनरल मासेस इनसे परिचित नहीं होते हैं. एंड ऑल्सो दैट पॉपुलर लिटरेचर इज़ नॉट कंपल्सरिली मेंट टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं होता है कि जो पॉपुलर लिटरेचर के अंतर्गत लिखे जाने वाले वर्क्स हैं वो हमेशा ऐसे हों जिन्हें हर एरा में पढ़ा जा सके. वे सिर्फ अपनी वर्तमान एरा में लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाए गए होते हैं. पर कोई ऐसा पॉपुलर लिटरेचर के अंतर्गत आने वाला वर्क जिसमें लिटरेरी क्वालिटीज़ भी ज़्यादा हों, वो लिटरेरी लिटरेचर भी बन सकता है. मतलब ये दोनों ही कैटेगरीज के अंतर्गत रखा भी जा सकता है. जैसे कि शेक्सपियर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑथर ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन हिज टाइम, बट His works proved to be high quality literary products, making them celebrated for centuries as milestones of literary literature. Now coming to the prominent features of popular literature, we can see that it tends to make profit from sales. चूंकि इसका उद्देश्य ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाना और profit कमाना, तो इसे इसी नज़रिए से लिखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे बेच करके sales कमाई जा सके, प्रॉफिट हो सके. देयरफॉर इट इन्फ्यूजेस ऑल द एलिमेंट्स व्हिच इज एबल टू अट्रैक्ट लार्जर मासेस, एंड इट ऑफन लैक्स द आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ लिटररी लिटरेचर. ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें वो आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं होती है जो एक लिटररी लिटरेचर में पाई जाती है. एंड इट डजंट इंटेंड टू चैलेंज द माइंड सेट ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि अगर कॉमन पीपल के माइंड सेट को ये चैलेंज करने लगेगा तो ज़्यादा लोग इसे नहीं पढ़ना चाहेंगे और फिर ये पॉपुलर नहीं हो पाएगा, इससे प्रॉफिट कम होगा. The works are easily understood and relatable to common readers, and it often stays away from too much philosophical inquiry. इसमें बहुत ज़्यादा philosophical inquiry नहीं होती है, बहुत सारे abstract phenomena नहीं होते हैं. And the dialogues are also in everyday spoken language. Symbols used in the works are usually clear and easy to be comprehended by the readers, easy to understand, because its primary goal is to increase its reach. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिंड्रेला हो गया, हैरी पॉटर की स्टोरी हो गई, ब्रिज टू टेराबिथिया.